धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चनार्थर रोड पर आज दिन दिहाड़े भरी मार्केट में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार के अनुसार दिन दिहाड़े 15-20 लोगों ने दुकान के बाहर बैठे उसे धमकाते हुए अंदर रखा सामान उठाना शुरू कर दिया। दुकानदार डर के मारे बाहर बैठा रहा। दुकानदार ने इस घटना की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दुकानदार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आसपास के दुकानदारों ने भी दिन दिहाड़े घटी इस घटना पर रोष व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार मामला दुकानदार से पहले दुकान संभाल रहे दुकानदार और आरोपियों के बीच पैसों के लेन देन का लगता है। फिलहाल जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आ पाएगी। मैं बाहर बैठा होता जी और 15-20 लड़के आए और यहाँ पे आके बस हाथापाई करने लगे और ऊंची ऊंची आवाज़ गालियाँ वगैरह भी दी मेरे को और बोलने लगे। तब तक मैं मामला समझाता रहा कि बात क्या है क्या नहीं। इतने में एक बंदे ने आके मशीन उठा ली और एक ने पीसी खोलना शुरू कर दिया ये और अपना सामान उठा के ले गए। मेरे को बोलते अगर फालतू बोल तो यहीं गाड़ देंगे, मतलब धमकी दी मेरे को, जान से ही मार सकते थे जी। नशा भी कर क्यों होता जी एक दो ने, मैं क्या करता अकेला, मैं जाके बाहर बैठ गया जी। तोड़फोड़ भी की? तोड़फोड़ है, आपके सामने है जी, देखो सारा कुछ है। कौन थे आप, जानते हैं हमको? बस एक ही लड़के को जानता हूँ जी मैं, अजराने का है राहुल, जिससे ये सामान पहले लिया हुआ था जी दुकान का किसी और ने। अब उससे मैंने ले लिया, उसकी उसमें पैसे रह रहे होंगे उसके कोई 10-20 हज़ार रुपये का मैटर होगा, तो उससे नहीं मुड़ो ना। यहाँ पे तो मैं बैठता हूँ, मालिक तो मैं हूँ यहाँ का, तो मैंने किसी की पंजी देनी नहीं जी यहाँ से। तो वो आए अपना सामान वगैरह उठा के लेके चले गए। दरखास्त वगैरह PCR 112 भी आई थी और उसके बाद भी प्रबंधक आए थे जी और भी वहाँ पे जाके रिटर्न में देके आएंगे जी। क्या मांग करते हैं जिस प्रकार दिन दहाड़े किस्म से डकैती ही इसको बोल सकते हैं? मैं तो ये बात है कि सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ जी। जो उन्होंने मतलब बदसलूकी की है और गाली गलौच भी किया है और मार भी सकते, हाथ भी कर सकते थे ऊपर, मैं क्या कर लेता अकेला आदमी जी। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ जी। हाँ जी, विजय नाम है जी। क्या हुआ आपकी दुकान के पास यहाँ? सर ये मेरा पड़ोसी है और बहुत नाइस पर्सन है जी, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं झगड़ा करता, बिल्कुल प्यार प्रेम से रहता है। ये जैसे मैं भी यहाँ से गया हुआ था दुकान से बाहर बच्चों को लेने स्कूल से, तो आके मेरे को पता लगे कि ऐसे ऐसे हरकतों के बीच से 25 लड़के आते हैं यहाँ पे, सरेआम गुंडागर्दी में मतलब बाइकों पे आते हैं, आकर इनको साथ बदमाशी से कोई बात धमकी देते हैं जान से मारने की, और हिला तो तेरे को जान से मार देंगे, बाहर बिठा दिया इसको निकाल के दुकान से। और इसका जो सामान था यहाँ से, लैपटॉप वगैरह था, मशीन वगैरह था, गुल्लक में से सामान था, PC था कुछ इनका, उठा के ले गए और कह रहे कि तो अगर तूने चूँ चप्पर किया तो तेरे को भाई अपना जान से मार देंगे। मार्केट में ऐसी वारदात होती है, ये देखो एक बहुत ही बुरा हाल है इस हिसाब से, तो दिन दिहाड़े ऐसा हो रहा है, तो ये और किसी के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ तो उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि भाई आप किसी को बदमाशी के बलबूते भी किसी की दुकान में सरेआम डकैती मारोगे, ये डकैती और क्या है, लूट के ले जाते हो, पैसे उठाते, जितनी जमा पूंजी होती है उनका क्या गया है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ एक पड़ोसी के नाते भी, एक समाज सेवी के नाते भी, तो ऐसे शरारती तत्व को छोड़ना नहीं चाहिए, उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है? विजय नाम है सर मेरा। क्या बताएंगे आप मौके पर पहुँच रहे हैं, डकैती की वारदात का पता लगा? ऐसा है, अभी हमें सूचना प्राप्त हुई, हम यहाँ दुकान पर आए हैं। दुकान का मालिक पहले कोई दूसरा था, उसने अपने भाई को बिठा रखा था, चचेरे भाई को, वो उससे पैसे का लेन देन था, जो पार्टी सलपाने की बताई जा रही है, उनके पैसे नहीं दिए गए अभी तक। वो उस कुंतक में आ गए या अपने आकर यहाँ से कुछ सामान उठा के ले गए। अभी तक मुदई पार्टी ने हमें कोई दरख्वास्त नहीं दी है, दरख्वास्त देंगे वो उसी हिसाब से कार्रवाई अमल में लाएंगे। 112 पे कॉल की थी, उसकी सूचना नहीं, हमें थाने से सूचना प्राप्त हुई। मैं तो कोर्ट में था, कोर्ट में मैं किसी एविडेंस में था, वहीं से आया हूँ अभी, तो यही अभी तक ये सूचना प्राप्त हुई। तो दरखास्त के बाद कार्रवाई, दरखास्त में जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में आएगी।